चीन आखिर पावरफुल क्यों बन रहा है, चीन को आखिर कहां से मिल रही हैं नई नई जानकारियां, कैसे वो अपने सैन्य प्लेटफॉर्मों को उन्नत कर रहा है और किससे वो ये सारी चीजें ले रहा है, आज इसी बात का खुलासा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दरअसल चीन के बढ़ते हुए कदम भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए सबसे बड़े चुनौती के रूप में है। लेकिन यही अमेरिका जब चीन को हथियारों के बारे में जानकारी देगा तो आप आने वाले भविष्य कैसे सोच सकते हैं कि चीन एक सुपर पावर नहीं बन सकता है। बकायदा इस बात का खुलासा हुआ है। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि अमेरिका की एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग कंपनी हनीवेल ने चीन और अन्य देशों को सैन्य उपकरणों जैसे कि F-35 लाइटनिंग 2, F-22 रैप्टर, B-1 बॉम्बर जैसे तकनीकी विवरणों को लीक किया है और इस कंपनी को अमेरिका ने सजा देने के बजाय मात्र कुछ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया, यानी कि $13 मिलियन का जुर्माना हनीवेल कंपनी पर लगाया गया है। हनीवेल कंपनी पर आर्म एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट यानी कि AECA और इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन यानी कि ITC के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। हनीवेल को ITR कंट्रोल टेक्निकल डेटा जिसमें कि खासकर की इंजीनियरिंग प्रिंट्स जो कि डायमेंशंस को शो करते हैं, ज्योमेट्रीज, फाइटर एयरक्राफ्ट के लेआउट, मैन्युफैक्चरिंग और कई हथियारों के जो पूरे अंतिम डिजाइन होते हैं वो सारी चीजें चीन को और अन्य देशों को लीक की गई है। इसके अलावा गैस टर्बाइन इंजन और मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स को कनाडा, आयरलैंड, मैक्सिको, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान को ये सारी चीजें मुहैया कराई गई हैं। और आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार इस कंपनी के लिए काफी उदार भी है और उन्होंने इस बात का खुलासा खुद से ही किया है। हालांकि पहले भी अमेरिका की रक्षा कंपनियों पर अतीत में चीन को औद्योगिक जासूसी का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि जो ये लीक्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हैं, इसमें जो टेक्निकल डेटा दिया गया है चीन को, उसमें अमेरिका का सबसे महंगा फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2, इसके अलावा F-22 रैप्टर, B-1 लैंसर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, A-7 क्रॉसियर, A-10 वर्थॉग, AH-64D अपाचे लॉन्गबो, M-1A1 मेन बैटल टैंक, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, इसके अलावा T-55 टर्बोशाफ्ट इंजन जिसका इस्तेमाल CH-47 चीनों के लिए किया जाता है, इसके अलावा अन्य जो लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब की इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल डेटा बकायदा चीन तक पहुंच चुका है। इस चोरी के बाद और इस लीकेज के बाद अब अमेरिका के अधिकारियों को इस बात की एक गंभीर चिंता पैदा हो गई है कि भले ही अमेरिका की रक्षा कंपनी ने इसे स्वेच्छा से उजागर किया हो, लेकिन ये अमेरिका के रक्षा हित के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि कंपनी ने इस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को किस रूप में भेजा है इस बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि कंपनी ने अपने आप को बचाने के लिए एक बयान में कहा कि जिन मुद्दों पर हनीवेल ने सूचना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है उसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये दुनिया भर में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध भी है और हमने किसी भी तरीके की कोई विस्तृत मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंजीनियरिंग विशेषज्ञता चीन के साथ या फिर अन्य देशों के साथ साझा नहीं की थी। हालांकि विदेश विभाग ने कहा कि ये मामला अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। अमेरिकी सरकार ने करीबन 71 ड्राइंगों की कॉपीज की समीक्षा की और निर्धारित किया कि F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर, B-1B लॉन्चर लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के लिए इंजन प्लेटफॉर्म के कुछ भागों और कंपोनेंट्स के चित्र चीन को भेजे गए हैं और इससे F-22 लड़ाकू विमान की अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि 2016 में ही इस बात का खुलासा कर दिया गया था। हनीवेल ने 71 ITAR कंट्रोल ड्राइंग जुलाई 2011 से 2015 के बीच चीन के साथ साझा की, वो भी बिना किसी ऑथराइजेशन के, और इसके बाद इस बारे में 2016 में जानकारी आई। इसके दो साल के बाद यानी कि 2018 में हनीवेल ने इस बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि उनके अनुसार उन्होंने अनऑथराइज रूप से ये सारी चीजें चीन और अन्य देशों को भेजी हैं। तो मामला साफ है किस तरीके से अमेरिका की खुद की डिफेंस कंपनियां चीन को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रही हैं और ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए भी चिंता है। जिस चीन ने आज कोरोना वायरस देकर पूरे विश्व को दहशत में डाल दिया है, वो आने वाले समय में अगर इन अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने लग गया और उनको बनाने में सफल हो गया, क्योंकि उसकी हेल्प तो आधी हो ही चुकी है जिसे अमेरिका ने कर ही दिया है, बाकी काम चीन को करना है, तो उससे आने वाले समय में आप भविष्य का आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती सबके सामने आने वाली है। भले अमेरिका ने इस कंपनी पर, क्योंकि राज्य स्वामित्व वाली कंपनी थी, उस पर $13 मिलियन का दंड लगाया है जो कि आवश्यक नहीं है। बकायदा इनको सरेआम फांसी दी जानी चाहिए थी जिस तरीके से इन्होंने ITAR कंट्रोल टेक्निकल डेटा को, जिसमें कि इंजीनियरिंग प्रिंट, फाइटर एयरक्राफ्ट के डायमेंशंस, ज्योमेट्री लेआउट्स और मैन्युफैक्चरिंग कास्टिंग इसमें शामिल थी और फिनिश पार्ट थे कई मल्टीपल एयरक्राफ्ट के और
गैस टरबाइन इंजन के, वो सब चीन सहित अन्य कई देशों को भी सप्लाई किए। यानी कि ये पूरा का पूरा मामला साफ है कि पैसों की आड़ में अमेरिकी कंपनी ने खुद के देश को धोखा दे दिया है, और ये खुद को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को धोखा दिया गया है। आपको क्या लगता है इस बारे में दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।